पहले तो ये समझ लीजिए, आज की जो क्लासेज है वो इस पे ही बेस्ड है कि हम किसी भी सेंटेंस को किस तरीके से बेस्ट तरीके से एक्सप्रेस कर सके। तो इनके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए और थोड़ा सा समझ होनी चाहिए कायदे से। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। द कोर्टियर्स यूज टू टेल द किंग हाउ इफिशियंट एन एडमिनिस्ट्रेशन ही वॉज ऑल डे लॉन्ग। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब ये है कि जो दरबारी थे सारा दिन राजा को ये कहते रहते थे कि कितना इफिशियंट वो एडमिनिस्ट्रेटर था। तो यहाँ पे इसको बेस्ट तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है अगर ऑल डे लॉन्ग को अगर हम लास्ट में ले जाने के बजाय अगर हम द कोर्टियर्स के बाद ले आए। द कोर्टियर्स ऑल डे लॉन्ग यूज टू टेल द किंग हाउ इफिशियंट एन एडमिनिस्ट्रेशन ही वॉज। ही वॉज के बाद फुल स्टॉप। अब आपको ये ऑप्शन चूज करना है, इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है देखना है। द कोर्टियर्स यूज, द कोर्टियर्स ऑल डे लॉन्ग यूज इसमें है, यूज इसमें है ऑल डे लॉन्ग, यहाँ पे पहले वाले पार्ट में। तो इसका पहला पार्ट सही होगा, लास्ट पार्ट है नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट है बाई वे टू इंट्रोड्यूस ही मेड सम पर्टिनेंट रिमार्क्स। अब एक चीज आप ये समझिए कि आपने अगर मेरी प्रिपोजिशन वाली क्लास देखी है तो मैंने वहां पे आपको ये बताया है कि प्रिपोजिशन के बाद आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है और कुछ मैंने फ्रेजेस बताए थे विथ अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, इस तरीके की, कि इनके पास वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। तो बाई वे टू इंट्रोड्यूसिंग होना चाहिए, यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। और कभी कभी कंफ्यूजन होता है, अगर आपके पास अच्छा सा नॉलेज नहीं है तो आप इस वाले पार्ट को, बी वाले पार्ट को मारते हैं, जबकि होगा क्या, सी पार्ट सही होगा, बी पार्ट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा बाई वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग नहीं होगा, बाई वे टू इंट्रोड्यूसिंग ही मेड सम पर्टिनेंट रिमार्क्स, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए गुड स्कॉलर मस्ट बी प्रिसाइज एंड पोजेसेस ओरिजिनलिटी। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 99% स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। जैसे अगर आप इसका पहला ऑप्शन देखोगे तो ए गुड स्कॉलर मस्ट बी प्रिसाइज एंड ओरिजिनल, जैसे ये देखोगे आपको लगेगा ये वाला पार्ट सही है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए। ए गुड स्कॉलर मस्ट बी प्रिसाइज, इसको अलग तरीके से देखिए और इसको अलग तरीके से देखिए, एक यूनिट की तरह इसको देखिए। मस्ट बी प्रिसाइज एंड पोजेसेस ओरिजिनलिटी, तो ये दो पार्ट हैं जो एंड से कनेक्ट है। इस सेंटेंस में किसी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट इसको ऐसे लेता है, ए गुड स्कॉलर मस्ट बी प्रिसाइज एंड ओरिजिनल, इसको एक यूनिट की तरह लेता है। तो अगर आप इसको एक यूनिट की तरह लोगे तो आप गलत कर बैठोगे इस सेंटेंस को। ए गुड स्कॉलर मस्ट बी प्रिसाइज, एक जो अच्छा विद्वान होता है उसको जो है थोड़ा बोलने आना चाहिए, मतलब मस्ट बी प्रिसाइज, वो जो कहे थोड़े बातों में ज्यादा कह दे। और पोजेस ओरिजिनलिटी, वो ओरिजिनल होना चाहिए, जो कुछ भी वो बात कहे वो ओरिजिनलिटी शो करे। तो यहाँ पे ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है, इसको पूरा एक यूनिट की तरह और इसको पूरा एक यूनिट की तरह लेना पड़ेगा, तभी आप इस सेंटेंस को करेक्ट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव बीन क्रेडिबली इन्फॉर्म्ड दैट द मर्डरर हैज गिवन हिमसेल्फ अप। हम जो है विश्वसनीय सूत्रों से इन्फॉर्म किए गए हैं, विश्वसनीयता के साथ इन्फॉर्म किए गए हैं कि जो मर्डरर था वो उसने क्या किया, अपने आप को सरेंडर कर दिया है। गिवन हिमसेल्फ अप का मतलब होता है कि अपने आप को दे देना, सरेंडर कर देना। यहाँ पे आप सेंटेंस देखोगे तो सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कभी कभी सेंटेंस करेक्ट भी देता है और ऑप्शन में देता है कि आपको जो है चेक करना रहता है कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन नहीं है, और नो इम्प्रूवमेंट में ऑप्शन रहता है। तो नो इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट एग्जाम में करेक्ट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, सिर्फ 10% स्टूडेंट ही उसको सही कर पाते हैं। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा समझेंगे तो आप इस सेंटेंस को करेक्ट कर ले जाएंगे। वी हैव बीन क्रेडिबली इन्फॉर्म, ये क्रेडिबली इन्फॉर्म जो है, आप जब इस पर थोड़ा सा ध्यान लगा के फोकस करोगे कि विश्वसनीयता के साथ इन्फॉर्म किए गए हैं और सेंटेंस की मीनिंग निकाल पाओगे, देन आप इस सेंटेंस को करेक्ट कर ले जाओगे। चलिए और बाकी सेंटेंस में देख लेते हैं क्या क्या गलतियां की गई है। जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में दिया है वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट द मर्डरर हैज क्रेडिबली गिवन हम, विश्वसनीयता के साथ अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो कोई भी जो मर्डरर है वो कभी भी विश्वसनीयता के साथ सरेंडर तो नहीं करेगा, तो पार्ट वन गलत है। वी हैव बीन इन्फॉर्म दैट द, सॉरी यहां पे स्पेलिंग का कुछ लोचा है, मिस टाइपिंग हो गई है। मर्डरर यहां पे मर्डरर होगा और यहां पे भी थोड़ा सा गड़बड़ है, क्रेडिबली क्रेडिबली, तो यहाँ पे वी हैव बीन इन्फॉर्म दैट द मर्डरर हैज गिवन क्रेडिबली हिमसेल्फ, यहाँ पे भी क्रेडिबली जो है हिमसेल्फ विश्वसनीयता के साथ अपने आप को दे दिया, तो ये भी पार्ट नहीं होगा। वी हैव बीन इन्फॉर्म दैट क्रेडिबली जो है द मर्डरर, विश्वसनीयता जो है मर्डरर, तो ये आपस में ही एक दूसरे को क्वालिफाई नहीं कर पा रही है, आपका नाउन है देन ये एडवर्ब है, कहाँ से एक दूसरे को क्वालिफाई कर पाएगा, तो ये पार्ट गलत है। और इसकी ही मीनिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सही बैठ रही है, तो अगर आप एक बार चेक भी करोगे देन भी आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा नहीं यही पार्ट सही है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है द मैन हुम आई थॉट वॉज, देखो एक
इस तरीके के क्वेश्चन में स्टूडेंट से थोड़ी गलती हो जाती है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हु जो होता है आपका सब्जेक्टिव केस होता है, हुम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो जब इस तरीके का सेंटेंस मिले द मैन उसके बाद जस्ट हुम लगा दे, तो याद रखिएगा इसके बाद जस्ट हु लगता है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्टिव केस चाहिए हमें, ऑब्जेक्टिव नहीं। द मैन हु आई थॉट वॉज थ्रोली ऑनेस्ट एंड प्रूव टू बी स्विंडलर। तो यहाँ पे आपको हु लगाने की जरूरत है, हुम लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन में सिर्फ सेकेंड पार्ट है जहाँ पे आपको दिया हुआ है द मैन हु आई थॉट वॉज थ्रोली ऑनेस्ट प्रूव टू बी ए स्विंडलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पे, वॉट डू यू गो फॉर टू स्कूल, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा सारों में। वॉट डू यू गो फॉर गो टू स्कूल फॉर, मतलब यह है वॉट डू यू फॉर गो टू स्कूल। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि सेंटेंस का मतलब पहले तो आप निकाल लीजिए कि आप सेंटेंस कहने की कोशिश क्या कर रहा है। सेंटेंस ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि तुम स्कूल क्या करने जाते हो। तो इसको बेस्ट तरीके से जो एक्सप्रेस करते हैं वो इस सेंटेंस से करते हैं, वॉट डू यू गो टू स्कूल फॉर और देन क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस रहता है इस तरीके से और बाकी पार्ट इसके गलत है। नेक्स्ट है स्लीपिंग रेस्टिंग एंड फ्लड्स आर द बेस्ट वे टू केयर फॉर ए कोल्ड। मैंने आपको पैरेललिज्म सिखाई थी, उसमें बोला था मैंने स्लीपिंग रेस्टिंग और यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। तो यहाँ पे आप ऑप्शन चेक कीजिए कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एंड दैट ड्रिंकिंग फ्लड। जैसे ही दैट लगाओगे यहाँ पे भी कहीं दैट वैट आना चाहिए, एंड ड्रिंकिंग, स्लीपिंग रेस्टिंग एंड ड्रिंकिंग फ्लड्स आर द बेस्ट वे, देन इसका बी पार्ट सही है। सबसे इजी क्वेश्चन होता है पैरेललिज्म जो है सॉल्व करना। एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिए और आपको लग जाएगी रिदम नहीं बन रहा है तो आप ऑप्शन में कोई बिठा के जो है एक बार पढ़ दीजिए, वहां पे समझ में आ जाएगा अच्छा ये वाला पार्ट सही है। तो इसका बी पार्ट सही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है बाई स्टडिंग एड्स हैज इंगेज्ड मेनी रिसर्चर्स इन द लास्ट डिकेड। अब यहाँ सेंटेंस ये कहने की कोशिश कर रहा है जो एड्स की स्टडी है वो बहुत सारे रिसर्चर को लास्ट डिकेड से जो है इंगेज किया हुआ है। तो द स्टडी ऑफ एड्स होगा यहाँ पे, बाई स्टडिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सी पार्ट है वो इसको बेस्ट तरीके से एक्सप्रेस करेगा। तो बाई स्टडिंग नहीं होगा, द स्टडी ऑफ एड्स हैज इंगेज्ड मेनी रिसर्चर इन द लास्ट डिकेड, ये इसका करेक्ट पार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है कैन एनी स्पिरिचुअली डेड मैन बी सो एज टू हैव नो लव फॉर हिज नेटिव कंट्री। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब समझिए कि कहने का ये मतलब है सेंटेंस का कि क्या कोई व्यक्ति इतना स्पिरिचुअली डेड हो सकता है, क्या कोई बंदा इतना आत्मीय रूप से डेड हो सकता है कि उसको अपने कंट्री से, उसको अपने नेटिव कंट्री से प्यार ना हो। अब आपको ये देखना कि क्या ये करेक्ट फॉर्म है सेंटेंस का या इससे बेहतर तरीके से इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब इसके ऑप्शन पढ़िए, कैन एनी मैन बी सो स्पिरिचुअली डेड एज टू हैव नो लव फॉर हिज नेटिव कंट्री। जैसे ही पहला सेंटेंस आप पढ़ेंगे आपको अंदर से ही फीलिंग आ जाएगी कि ए पार्ट करेक्ट है। यहाँ पे सेम वही सेंस निकल रहा है कि क्या कोई आदमी आत्मीय रूप से इतना मरा हुआ हो सकता है कि उसे अपने कंट्री के लिए कोई प्यार ना हो। तो ये वाला पार्ट ए पार्ट इसका सही होगा। तो इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सेंटेंस थोड़ा लेंदी होता है और आपको एग्जाम में समय कम होता है। तो अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन एवर आई डाउट अबाउट द मीनिंग ऑफ ए वर्ड आई लुक अप माई डिक्शनरी। यहाँ पे जो सेंटेंस में है वेन एवर आई डाउट, वेन एवर आई हैव ए डाउट होना चाहिए। वेन एवर आई हैव ए डाउट अबाउट द मीनिंग ऑफ ए वर्ड आई लुक अप माई डिक्शनरी, इसका जो पार्ट होगा वो ए पार्ट करेक्ट होगा। तो ये इसको बेस्ट तरीके से एक्सप्रेस करेगा। नेक्स्ट है आई इन ब्लैक एंड व्हाइट मस्ट हैव योर टर्म्स डाउन। यहाँ पे जो सेंटेंस का मतलब है, जो ये कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि जो तुम्हारे टर्म्स है मुझे लिखित रूप में चाहिए। तो आई इन ब्लैक एंड व्हाइट मस्ट हैव योर टर्म्स एंड डाउन, ये सेंटेंस क्या ये मतलब निकाल रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित रूप में। अब आपको ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा ऐसा जो है सेंटेंस है जो ये मतलब निकालेगा कि मुझे जो है तुम्हारा जो टर्म्स है वो लिखित रूप में चाहिए। देन आई मस्ट हैव इन ब्लैक एंड व्हाइट योर टर्म्स डाउन, ये नहीं है। आई मस्ट हैव योर टर्म्स इन ब्लैक एंड व्हाइट डाउन, ये भी नहीं है। आई मस्ट हैव योर टर्म्स डाउन इन ब्लैक एंड व्हाइट, ये पार्ट सही है। इसका सी, डी पार्ट दिया नहीं है, इसमें प्रिंटेड नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट डी पार्ट रहता है। तो इसका थर्ड पार्ट सही है, ये बेस्ट तरीका है एक्सप्रेस करने का। नेक्स्ट है राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स द टाइगर जम्प्ड एट हिम। जब वो अपना मतलब घुड़सवारी कर रहा था तो उस वक्त जो है टाइगर ने उसके ऊपर जंप किया। अब इसमें आपको क्या करना है, चेक करना है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो इसको बेहतर तरीके से जो है एक्सप्रेस कर सकता है। द टाइगर जम्प्ड एट हिम, द टाइगर जम्प्ड एट हिम वाइल ही वॉज राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स। यहाँ पे क्या होगा, द टाइगर जम्प्ड एट हिम वाइल ही वॉज राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स, जब वह घुड़सवारी कर रहा था तब जो है टाइगर उसके ऊपर जम्प किया। तो ये वाला जो इसका बी पार्ट है ये बेस्ट तरीका है जो है
सेंटेंस जो है करेक्ट करने का, सेंटेंस एक्सप्रेस करने का। राइटिंग अपॉन हिज हॉर्स, या तो एक कॉमा लगा होता तब भी चल जाता, लेकिन जो वाइल होता है ना, वो वाइल ये शो करता है दौरान, एक काम हो रहा था उसी दौरान दूसरा काम हुआ। तो यहाँ पे जब वो वाइल वर्ड आता है, इसका मतलब ये हो रहा था कि वो घुड़सवारी कर रहा था उसी समय जो है एक टाइगर जो है उस पर जो है कूदा। तो ये वाला जो बी पार्ट है वो करेक्ट तरीका होगा इसको एक्सप्रेस करने का। नेक्स्ट है, ही प्लीज द डायरेक्टर एंड दिस कंप्लीटेड हिज रिपोर्ट इन गुड टाइम। ही प्लीज द डायरेक्टर, उसने अपने डायरेक्टर को खुश कर दिया और इससे क्या हुआ, उसका जो रिपोर्ट है वो अच्छे समय में कंप्लीट हुआ। यार देखो, सेंटेंस ये कहने का मतलब है सेंटेंस का कि उसने जो है रिपोर्ट अच्छे समय में कंप्लीट कर लिया, इस वजह से डायरेक्टर खुश हो गया। तो यहाँ पे जो है ना सब तोड़ मरोड़ के सेंटेंस दिया हुआ, तो इसको आपको करेक्ट करना होगा। ही कंप्लीटेड हिज रिपोर्ट इन गुड टाइम एंड दिस प्लीज द डायरेक्टर, उसने अपना जो रिपोर्ट है सही समय में, अच्छे समय में जो है कंप्लीट कर लिया, या गिवन टाइम में कंप्लीट कर लिया, इससे उसका डायरेक्टर खुश हो गया। ये अप्रोप्रिएट जो होगा तरीका होगा एक्सप्रेस करने का इस सेंटेंस को, तो इसका बी पार्ट जाएगा।